लोड शेडिंग की। गर्मी आई तो लोड शेडिंग भी साथ ही लाई। लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। लेस्को का शॉर्टफॉल 490 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर में 3 से 7 घंटे के लिए बिजली गायब रहने लगी। जी हाँ, शहरी गर्मी और हब से बिलबिला उठे। राना फहद से बात करेंगे। राना फहद बताएगा किन इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली बंद है। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया है। गर्मी की शिद्दत शुरू होते ही जो है वो बिजली की तलब में भी इजाफा हुआ है, जिसके बायस जो है वो तलब और रसद का फ़र्क बढ़ गया है और जो है वो लोड मैनेजमेंट की मद में जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद रखी जा रही है। आज अगर बात की जाए ओवरऑल की तो आज जो है वो मुल्क भर में 16,000 जो है वो मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि जो बिजली फराहम की जा रही है वो 13,500 मेगावाट है। 2500 मेगावाट बिजली का शार्टफॉल है, जिसके बायस जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। और अब जो है अगर बात की जाए सिर्फ लाहौर की, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने 40 लाख से ज़ायद सार्फिन को बिला तातल बिजली फराहम करने के लिए 3,000 से 3,100 मेगावाट तक बिजली की ज़रूरत है, मगर NPCC की जानब से जो है वो 2,800 से 2,700 मेगावाट बिजली जो है वो फराहम की जा रही है। 500 तकरीबन मेगावाट का शॉर्टफॉल है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जिसके बायस लेस्को की जानब से जो है वो लॉन लॉसिस के हिसाब से लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो अब शुरू कर दिया गया है, जहाँ 10% जिन फीडर्स पर लाइन लॉसेस हैं वहाँ पर 2 से 3 घंटे, और जो है वो 10% से ज़ायद जहाँ 20 से 30% तक जो है वो लाइन लॉसेस हैं वहाँ पर 4 से 5 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में ये दौरानिया 6 से 7 घंटे तक पहुँच चुका है। और जो हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि जो है वो लोड शेडिंग फ्री होगा, शहर गर्मियों में जो है वो ज़्यादा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो तमाम के तमाम दावे गर्मी शुरू होते ही जो है वो हवा हो गए हैं। और गर्मी शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड मैनेजमेंट के मद में जो है वो 5 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग की गई, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी जब जैसे जैसे गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, बिजली की तलब में भी इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि जो है आज गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और मुख्तलिफ जो है वो इलाकों में जो है वो AC का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, फ्रिज का इस्तेमाल बढ़ गया है, और ऐसी अशिया जो बिजली पर चलती हैं उनका इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की तलब में भी जो है वो इजाफा हो गया है। आज छुट्टी का दिन है, मगर इसके बावजूद जो है वो बिजली की तलब जो है वो 3,000 से 3,100 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, और बिजली की तवील बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली जो है वो बिजली की तलब ज़्यादा होने के बायस जो है वो ट्रांसफार्मर्स और दीगर अशिया भी जो है वो जलने का सिलसिला शुरू है। अगर किसी इलाके में ट्रांसफार्मर जलता है तो वहां पर शहरियों को तकरीबन 1 से 2 रोज तक जो है वो बिजली से महरूम होना पड़ता है। आज मार्केटें बंद हैं और सरकारी दफातर भी बंद हैं, शहरी क्या कहते हैं, छुट्टी के रोज भी ये सिलसिला जारी है? बिल्कुल, छुट्टी का रोज़ भी ये सिलसिला जारी है, मार्केटें दफातर सरकारी दफातर बंद होने के बावजूद जो है वो बिजली की तलब अगर बात की जाए इस वक्त की तो इस वक्त जो है वो बिजली की तलब 2900 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जो अगले 1 से 2 घंटे तक जो है वो 3,000 मेगावाट तक जो है वो पहुँच जाएगी। लोग घरों में हैं और AC का इस्तेमाल जो है वो बढ़ चुका है, इसलिए जो है वो बिजली की तलब भी ज़्यादा होती जा रही है। और अगर वर्किंग डेज़ की बात की जाए तो वर्किंग डेज़ में ये तलब जो है वो 3,200 से 3,300 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। शुक्रिया राना फहद।